नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। सो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पेटीएम का जो क्रेडिट कार्ड होता है जो सिटी बैंक के थ्रू मतलब दोनों के पार्टनरशिप में आपको दिया जाता है, तो उस चीज़ का जो है मॉरेटोरियम अप्लाई होगा या नहीं होगा। अभी लॉकडाउन बढ़ गया है तो क्या रहेगा आगे का प्रोसेस, अगर इनकेस अगर जून में भी लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके बाद भी क्या होगा। तो पूरा पूरा इस वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा वीडियो बताने वाला हूँ यहाँ पर। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सो चलिए मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सिटी बैंक के यूज़र यानी कि जो पेटीएम के यूज़र्स हैं उनको अगर क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है तो वो लोग मतलब मॉरेटोरियम के लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। और जो लोगों का लोन चल रहा है मतलब पेटीएम के अंदर उनका भी एलिजिबल हैं, वो अपना मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ से अप्लाई करना है मैं आपको पूरा पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, राय विचार है मेरे वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम लगी हो या फिर कुछ मिस्टेक हो गई हो मेरे से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेटीएम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर पेटीएम में ऐसा भी हो सकता है आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, बट ब्लैंक दिख रहा हो तो मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ, आप वो सुनते जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हेल्प एंड सपोर्ट में आ जाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि एलिजिबल है या नहीं है। सो ये देखिए नीचे आएंगे थोड़ा सा, पेटीएम फर्स्ट का कार्ड जो है वो देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। पेटीएम फर्स्ट ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस ये रिस्क मतलब आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। नो अबाउट ये देखिए नीचे आएंगे यहाँ पर हम लोग। सो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इज़ मॉरेटोरियम ऑफर्ड ऑन माई पेटीएम फर्स्ट कार्ड? येस, सिटी बैंक इज़ प्लेस टू एक्सटेंड द मॉरेटोरियम ऑन योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ एंड और ईएमआईज, यानी कि जो भी ईएमआई या ड्यूज़ चल रहे हैं तो उस पर आपको मॉरेटोरियम के लिए आपको एप्लीकेबल है। इफ़ देखिए जैसे कि यहाँ पर वो 31 मई 2020 तक आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा ये चीज़ें वैलिड है। अगर आप पेमेंट्स मतलब जिस पीरियड में आप अगर पेमेंट नहीं भरने में सक्षम है मतलब योग्य नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी लेट फीस, नो चार्जेस या फिर नो डिलिंक्वेंसी रिपोर्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस बेनिफिट इज़ एप्लीकेबल फॉर कार्ड्स इन गुड स्टैंडिंग एज ऑफ मार्च 2020, दैट इज़ नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ प्रायर ड्यूज। यानी कि कहने का मतलब इनका यही है कि आपने अगर मार्च तक अच्छा से पेमेंट किया है तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए आपको कोई भी मतलब आपकी एक गुड स्टैंडिंग बनी हुई है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, लेट फीस वगैरह नहीं करना होगा लेकिन इंटरेस्ट जरूर चार्ज किया जाएगा। However, interest will accrue as earlier. We recommend you to continue the make payments as per the convenience to reduce the interest charges. अगर आपको interest charges नहीं देना है तो आप इसको continue कर सकते हैं। अगर छोटा amount है तो मैं यही recommend करूँगा कि आप उसको please अपना जो है यहाँ पर वो करते हुए रहिए। अब इसको आपको apply कैसे करना है तो चलिए मैं अपने यहाँ पर आपको ले चलता हूँ पेटीएम के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सिटी बैंक सर्च मारना है, citibank.com पे आ जाना है यहाँ पर हमें, co.in या फिर जो भी इनका वो है ऑनलाइन वेबसाइट है उस पे आ जाइए आप। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिएगा अप्लाई फॉर मॉरेटोरियम के लिए आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है मॉरेटोरियम एक्सटेंडेड फॉर सिटी क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स नोटिफिकेशन और COVID-19 रिलीफ पैकेज, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, आप इसमें इनका पूरी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको नीचे आप यहाँ पर और भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च मार सकते हैं जो कि इसके रिलेटेड है। हालाँकि ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं अगर आपका क्रेडिट कार्ड जो गुड स्टैंडिंग में है मतलब आपने मार्च तक अच्छे से पेमेंट किया है तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मॉरेटोरियम ये लोग अप्लाई करवा रहे हैं जो कि आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। सो इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली आप क्रेडिट कार्ड का बिल को कंटिन्यू करिए और उसको पेमेंट करते रहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल के। आप सोचेंगे कि ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताया इसमें। हाँ एक चीज़ है कि आपको सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर और भी सारे कई चीज़ें बैंक के रिलेटेड मतलब जो है आपका हिस्ट्री वो ख़राब नहीं होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करते हुए जाइएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।